नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आंसर देखो। पर देखिए, RRB NTPC के बारे में हम बात कर रहे हैं और RRB NTPC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, जो भारतीय इतिहास है उसमें हम पार्ट वन लेके आए हैं आपके लिए। और यहाँ से हम पार्ट वन से स्टार्ट होते हुए आपके लिए सभी पार्ट्स की, आपके GK के जो जनरल अवेयरनेस है उनके लिए हम सभी आपका कवर करते हुए यहाँ पर एक सेशन तैयार कर रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चंस आपको लिए देंगे और ये पूरा विगत परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन है। हर टॉपिक वाइज हम आपके साथ में यहाँ पर चलेंगे और आपको कंटिन्यू पर डे आपको एक सेशन आपको दे दिया जाएगा, एक वीडियो इसके लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आज हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में भारतीय इतिहास के अंदर, जिसमें आपके सिंधु सभ्यता से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और जो पूछे गए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो को आप जरूर ध्यान से देखें, क्योंकि इनमें जो हमने क्वेश्चंस लिए हैं वो विगत परीक्षाओं में पूछे हुए हैं और आपके लिए जो क्वेश्चंस अब जो पूछे जा सकते हैं उनके लिए हमने वो क्वेश्चंस हमने यहाँ पर बनाकर छोड़े हैं आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सिंधु सभ्यता को क्वेश्चंस को करने से पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए। जैसे सिंधु सभ्यता की अगर बात करें तो कार्बन 14 C14 की जो नवीन जो विश्लेषणात्मक प्रणाली जो पद्धति है उसके द्वारा ये सिंधु सभ्यता को 2500 ईसा पूर्व से, इसका जो समय अवधि मानी गई है वो मानी गई है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, इसकी जो खोज की थी वो की थी आपके राय बहादुर बहादुर दयाराम साहनी, दयाराम साहनी ने इनकी खोज की थी, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, इसके अंदर अगर बात करें तो इसमें 6 बड़े नगरों की नगर की संज्ञा दी गई है। एक तो मोहनजोदड़ो था आपका, एक कालीबंगन, एक था आपका धोलावीरा राखीगढ़ी, और एक गढ़वारी वाला, और एक हड़प्पा। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बाद में आप अपना क्वेश्चंस हैं उनको क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक का माना जाता है? देखिए, हड़प्पा सभ्यता का काल जो है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। ये आपके लिए इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो इसका जो पतन नगर बंदरगाह जो है वो है आपका लोथल। तो लोथल था इसका पतन नगर बंदरगाह, लोथल। आगे देखिए, अगला है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगन स्थल किस प्रदेश में स्थित है? कालीबंगन जो प्रदेश में जो स्थित है वो है आपका राजस्थान में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला है आपका, हड़प्पा सभ्यता की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता था? देखिए, सेल खड़ी का उपयोग करते थे मुद्राओं के निर्माण में। तो इसका आंसर हो जाएगा सेल खड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो हुई थी वो हुई थी 1921 वर्ष में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 1921 वर्ष। अगला है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? देखिए, मोहनजोदड़ो जो है वो आपका सिंध सिंध में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंध, सी ऑप्शन। आगे देखते हैं। अगला है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। बृहत स्नानागार पाया गया है तो इसका जो सिंधु सभ्यता में पाया गया था वो पाया गया था मोहनजोदड़ो में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मोहनजोदड़ो। आगे देखते हैं, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? देखिए, जो किस पशु के, तो इसमें जो आपका जो पशु है वो है आपका गाय। तो गाय के जो अवशेष है ना सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिले हैं, घोड़ा हाथी शेर वगैरह इनके मिले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गाय के अवशेष नहीं मिले। तो इसका आंसर बी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो देखिए, जो गुजरात में है वो है आपका लोथल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, हड़प्पा कालीन स्थल जो है वो है लोथल, तो वो गुजरात में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला है, किस हड़प्पा कालीन स्थल को मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? देखिए, मृतकों का टीले के नाम से जो जाना जाता है वो जाना जाता है आपका मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मोहनजोदड़ो। आगे देखते हैं। अगला है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, देखिए सिंधु घाटी के लोग जो है वो मातृशक्ति में विश्वास करते थे, तो ये मातृशक्ति में विश्वास करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला है, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? देखिए, हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन थे वो लाल रंग के पाए गए थे, तो लाल रंग के उनके ऊपर लाल रंग हो रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, लाल रंग। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, रंगपुर जहां हड़प्पा
की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ है? तो देखिए जो रंगपुर जो है वो हड़प्पा कालीन की समकालीन सभ्यता थी, वो थी सौराष्ट्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सौराष्ट्र में। आगे देखते हैं, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, देखिए सामाजिक पद्धति जो थी वो थी उचित समतावादी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उचित समतावादी। तो इसका आंसर सी ऑप्शन। अगला है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आद्य शिव, तो शिव जी का जो उसमें मुद्रा में इनका देवता का जो देवता के समतुल्य चित्रांकन जो मिले हैं वो शिव जी के मिले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आद्य शिव। तो आद्य शिव इसमें आपके आद्य शिव के समान इसमें समतुल्य चित्रांकन मिले थे, तो इसका आंसर जो है डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल कौन सा है? जो पश्चिमी पुरास्थल है वो है आपका सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सुतका गेंडोर। आगे देखते हैं, अगला है, सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी पुरास्थल कौन सा है? पूर्वी पुरास्थल जो है वो है आलमगीरपुर। देखिए जो आलमगीरपुर है ये आपका जिला मेरठ के अंदर है, उत्तर प्रदेश में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आलमगीरपुर, ये मेरठ में है और ये आपका है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में यूपी के अंदर। और जो अभी पहला जो प्रश्न था सुतकांगेंडोर, ये था सुतकांगेंडोर जो है आपका ये बलूचिस्तान में, तो इसको याद रखिएगा बलूचिस्तान, ठीक है, बलूचिस्तान के अंदर है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है, हड़प्पा वासी शीशा का आयात कहाँ से करते थे? देखिए शीशा का जो आयात करते थे वो करते थे ईरान से, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ईरान से। अगला है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी लिखी जाती थी? देखिए जो सिंधु सभ्यता की लिखी थी लिपि थी वो थी आपकी भावचित्रात्मक लिपि, भावचित्रात्मक लिपि, ये आपको ध्यान होना चाहिए। किस तरीके की लिपि थी? भावचित्रात्मक लिपि। और जो लिखी जाती थी वो लिखी जाती दाई ओर से बाई ओर, दाएं से बाई ओर लिखी जाती थी। तो इसका आंसर जो है बी ऑप्शन। अगला है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणतम पुरास्थल कौन सा था? तो दक्षिणतम पुरास्थल जो था वो था आपका दाइमाबाद, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दाइमाबाद। अगला है, आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? आग में पकी हुई मिट्टी जो होती है, जिस देखो मिट्टी को अगर आग में पकाया जाता है और उसके बाद में उसके जो बर्तन वगैरह जो बनाकर और फिर उनको मिट्टी को पकाया जाता है तो वो बोलता है टेराकोटा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, टेराकोटा। आगे देखते हैं, अगला, एक शील पर तीन मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो पशुपतिनाथ की जो मूर्ति थी वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मोहनजोदड़ो। अगला देखते हैं, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी? सिंधु सभ्यता की जो मुख्य फसल थी वो थी गेहूं और जौ, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गेहूं और जौ। अगला है, सिंधु अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था, मुख्य आधार जो था वो इसका जो आप मुख्य आधार था वो था व्यापार, तो ये व्यापार ज्यादा करते थे सिंधु अर्थव्यवस्था के लिए, तो ये आ जाएगा सी ऑप्शन, व्यापार। निम्न में से चावल की भूसी पाई गई, तो चावल की भूसी कहाँ पाई गई थी? वो पाई गई थी लोतलवा रंगपुर में, चावल के टुकड़े मिले थे, दाने मिले थे, चावल के दाने मिले थे, तो इसकी जो भूसी भी वहीं पर ही मिली थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, लोथल व रंगपुर। अगला है, सिंधु घाटी के लोग निम्न में से किससे परिचित नहीं थे? सिंधु घाटी के जो लोग थे वो आपके लोहा से परिचित नहीं थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सोना चांदी और तांबा वो उपयोग में लेते थे लेकिन लोहे को वो नहीं जानते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला है, पश्च हड़प्पा किसको दर्शाता है? जो पश्च हड़प्पा है वो आपकी संस्कृति के पश्च नगरीय व्यवस्था को दर्शाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पश्च नगरीय नगरीय व्यवस्था। अगला है, लोथल सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? लोकल सभ्यता जो है वो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है, तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, भोगवा नदी। अगला है, सैंधव स्थल चन्हुदड़ो के खोजकर्ता माने जाते हैं? चन्हुदड़ो के जो खोजकर्ता जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं एनजी मधुर मजूमदार, तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, एनजी मजूमदार। अगला है, निम्न में से कौन सी सभ्यता सिंधु नदी तट पर नहीं है? सिंधु नदी तट पर हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो ये सारी सभ्यताएं मोहनजोदड़ो बारा ये आपका कोट दीजिए और चंद्रकूट ये सारी सिंधु सभ्यता के निकट नदी तट पर थी, लेकिन ये जो बालकोट बालाकोट जो थी बालाकोट ये सिंधु नदी तट पर नहीं थी, तो इसका आंसर जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा काल क्रमबद्ध है? तो देखिए जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो रोपड़ और लोथल ये काल बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, हड़प्पा, फिर उसके बाद में मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो के बाद में रोपड़ और रोपड़ के बाद में लोथल। अगला प्रश्न है आपका,
किस स्थल पर अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था? अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था आपका कालीबंगा में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन कालीबंगा। अगला है, सैंदव सभ्यता विदेशी आक्रमणों व आर्यों के आक्रमण से नष्ट हुई है, ये जो कथन था वो कथन किसने कहा था? देखिए ये कथन कहा गया था गार्डन चाइल्ड चाइल्ड व्हीलर के द्वारा, तो इसका आंसर जो है बी ऑप्शन गार्डन चाइल्ड व्हीलर, जिन्होंने कहा था सैंदव सभ्यता विदेशी आक्रमणों व आर्यों के आक्रमण से नष्ट हुई है, तो इसका आंसर बी ऑप्शन। अगला है, हड़प्पा फसल काटने के लिए प्रयोग करते थे वह किसका? देखिए एक ये जो फसल काटने के लिए प्रयोग करते थे एक आपका, तो उसका जो जो बना हुआ होता था वो होता था पत्थर का बना हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन पत्थर का बना हुआ। अगला है, हड़प्पा कालीन सभ्यता में मन का उद्योग कहाँ पाया गया? देखिए मन का उद्योग जो पाया गया था वो तो चन्हुदड़ों में पाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई? ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, तो प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी की मूर्ति जो प्राप्त हुई थी वो हुई थी मोहनजोदड़ो से, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन मोहनजोदड़ो। अगला है, राजस्थान की किस स्थल से ताम्र पाषाणिक सभ्यता के प्रमाण मिले हैं? तो वो मिले हैं आहड़ सभ्यता, तो ये आहड़ से मिले हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला अगला देखते हैं, अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है नगरों के अवशेष, जो नगरों के अवशेष जो मिले हैं उनसे सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है, तो ये हो जाएगा नगरों के अवशेष सी ऑप्शन, मूल जो है स्रोत वो है नगरों के अवशेष। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई की प्रभारी थे, तो जो हड़प्पा की जो प्रभारी जो खुदाई की प्रभारी थे वो थे आपके सर जॉन मॉर्शल, तो इसका आंसर हो जाएगा सर जॉन मॉर्शल ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो किस नदी द्वारा जुड़े थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो थे वो आपके सिंधु नदी द्वारा जुड़े हुए थे दोनों की दोनों, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, किस सैंधव स्थल से यज्ञ वेदियां प्राप्त हुई हैं? यज्ञ वेदियां जो प्राप्त हुई थी वो आपकी लोथल व कालीबंगा, कालीबंगा और लोथल से प्राप्त हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन लोथल व कालीबंगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम किस स्थल पर कराया था? जो कराया था वो कराया था आपका हड़प्पा में कराया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हड़प्पा। अगला प्रश्न है, कपास उगाने का श्रेय सर्वप्रथम किसे दिया जाता है? कपास उगाने का जो श्रेय है वो सैंधवों को दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सैंधवों को। अगला है, चित्राक्षर लिपि किस काल की मानी जाती है? देखिए चित्राक्षर लिपि जो है वो मानी जाती है सिंधु काल की, तो इसका आंसर जाएगा सी ऑप्शन, चित्राक्षर लिपि जो मानी जाती है वो सिंधु काल की मानी जाती है। अगला है, मोहनजोदड़ो का स्तूप टीला किस वंश के शासकों के समय निर्मित हुआ था? देखिए जो स्तूप टीला जो कुषाण वंश के जो शासक थे उसके समय निर्मित हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन कुषाण वंश के शासकों के समय पर। अगला है, सैंधव कालीन स्थल जो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, तो जो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है वो है मांडा, सैंधव कालीन स्थल है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन मांडा। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के निर्माता थे, सैंधव सभ्यता के जो निर्माता थे वो थे द्रविड़भाषी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन द्रविड़भाषी। अगला है, सिंधु का नखलिस्थान किसे कहा जाता है? सिंधु का नखलिस्थान जो है लोथल को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन लोथल। अगला है, सिंधु सभ्यता में प्राप्त ईंटों का अनुपात था, देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है, प्राप्त ईंटों का जो अनुपात था वो 1:2:4 था, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 1:2:4। अगला है, मिस्र की ममी के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? मिस्र की जो ममी है उसके जो साक्ष्य मिलते हैं वो मिलते हैं लोथल में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे देखते हैं, अगला है, हड़प्पा काल का उर बंदरगाह कहाँ स्थित है? हड़प्पा काल का उर बंदरगाह मेसोपोटामिया में स्थित है, तो इसका आंसर जाएगा बी ऑप्शन। अगला है, सैंधव स्थल चंदूदड़ों का अन्वेषण करता है, अन्वेषण करता चंदूदड़ों का तो वो माना जाता है गोपाल मजूमदार को, तो ये है सी ऑप्शन गोपाल मजूमदार। अगला है, आलमगीरपुर किस नदी तट पर स्थित है? हिंडोन नदी पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हिंडोन नदी पर। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा सिंधु सभ्यता स्थल नहीं है? सिंधु सभ्यता स्थल जो है वो आपका आहड़ नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आहड़। अगला,
सिंधु लिपि में से कितने अक्षरों की जानकारी प्राप्त हुई है? सिंधु लिपि में जो जानकारी प्राप्त हुई है 400 अक्षरों की लिपि जानकारी प्राप्त हुई है, तो इसका आंसर जो बी ऑप्शन 400। अगला है, विशाल सांडों की जुड़वा पैरों वाली मृण मूर्तियां किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? विशाल सांडों की जो मृण मूर्तियां वो कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं, तो इसका आंसर जो है बी ऑप्शन कालीबंगा। अगला प्रश्न है आपका, शतरंज बोर्ड के दो नमूने किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? शतरंज बोर्ड के दो नमूने जो प्राप्त हुए थे वो थे लोथल से प्राप्त हुए थे, इसका आंसर जाएगा ए ऑप्शन लोथल। अगला है, सिंधु कालीन लिपि किस भारतीय लिपि समान पाई गई? देखिए जो सिंधु कालीन लिपि जो है वो द्रविड़ भारतीय लिपि जो थी वो द्रविड़ काल से सर्वाधिक समान पाई गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन द्रविड़। अगला है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? जो प्रस्तर मूर्तियां जो प्राप्त हुई है वो आपकी हड़प्पा से प्राप्त हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हड़प्पा। अगला है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, तो इसका जो पड़ता है ये सिंधु सभ्यता जो है वह आद ऐतिहासिक काल में पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आद ऐतिहासिक काल। देखिए ये जो क्वेश्चन थे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और ये क्वेश्चन इनकी जो पीडीएफ फाइल है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी मिल जाएगी पीडीएफ फाइल, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फाइल को। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो जरूर हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे साथ में जुड़े रहें, ताकि हम जो एनटीपीसी के लिए जो आपको कंटिन्यू पर डे एक वीडियो हम देंगे जिसमें आपके जीके के क्वेश्चंस हम कवर करवाएंगे, आपको 60-50 क्वेश्चन जितने भी एक टॉपिक से जो बन सकते हैं हम वो आपके लिए यहाँ पर लेके आएंगे। तो धन्यवाद।